चलिए, गुड आफ्टरनून। हम लोग शुरू करते हैं। इसमें कई दिन का गैप भी हो गया है, तो थोड़ा सा आपको रिकॉल कराता हूँ चीज़ें। बच्चों, आप लोग ये जानते हैं कि वेक्टर स्पेस है और इस वी का कोई सबसेट है। सबसेट तो जो LS होता है वो हमेशा सब स्पेस होता है। इतना क्लियर है? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। एस का सबसेट है लेकिन LS सब स्पेस होता है, वेक्टर स्पेस होता है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं पहले। अब समझिएगा, हमारे पास एक होता है बेसिस। बेसिस का मतलब एक ऐसा जो बेसिस भी सबसेट ही है, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और उसके लीनियर स्पेन करेंगे तो पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो जाता है उससे। ये दोनों चीजें मिला के बेसिस बनाती है। बेसिस की दो खासियत, लीनियर इंडिपेंडेंस। मैं लीनियर इंडिपेंडेंस के फायदे और नुकसान बाद में बताऊंगा बच्चों आपको, और उसी से मैं एक ब्रांच के बारे में भी बताऊंगा आपको जिसको हम लोग मैथ्स में कहते हैं फ्रेम थ्योरी। ये भी एक जोरदार ब्रांच है रिसर्च के लिए। और अगर अभी आप कभी DSP नैनीताल जाएं तो वहां दो या तीन लोग इसमें PhD कर रहे हैं फ्रेम थ्योरी। और ये यहीं से शुरू होती है। मैं वो कहानी बाद में सुनाऊंगा आपको कि आखिर लीनियर इंडिपेंडेंट ही क्यों जबरदस्ती कहा गया, LS=B से काम क्यों नहीं चला। तो ये सब बाद में, कभी मुझे याद दिलाइएगा कुछ दिनों बाद जब मैट्रिक्स पूरी होगी। मैं लीनियर की बुक पे दोबारा आऊंगा प्रॉपर तरीके से, तो किसी दिन मुझसे ये पूछिएगा जरूर कि आखिर फ्रेम थ्योरी में क्या होता है और ये कैसा रिसर्च फील्ड है। यस सर, ठीक है, ये कभी बाद में। यस सिग्नल सर, प्रोसेसिंग में काम आ जाता है आपके। इवन आप लोग ये जिप फाइल बनाते हैं ना, डेटा को कंप्रेस करते हैं या नहीं? यस यस सर, सर, यस अरे सर, फाइल काफी बड़ी बन जाती है PDF और बाकी, तो जिप डेटा कंप्रेस करते हैं ना, तो डेटा कंप्रेस करने की कहानी। तो ये एक थ्योरेटिकल थोड़ा सा दिमाग में पिक्चर बना देंगे आपके। अच्छा, ऐसा कुछ भी होता है। हम मैथमेटिक्स के नजरिए से चीजों को देख रहे हैं। ठीक, तो बेसिस जो होता है बच्चों, मैंने कहा भी था कि LS का मतलब समझिए, ये आपके पास सबसे छोटा स्पैनिंग सेट है जो पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है, और ये सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है, ऐसा बताया होगा मैंने। बेसिस में जो लीनियरली इंडिपेंडेंस की बात है, तो बेसिस सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है वेक्टर स्पेस में। इससे बड़ा कोई सेट फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए और वो भी वेक्टर स्पेस, पॉसिबल ही नहीं है। सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट जो होता है वो बेसिस ही होता है। और सबसे छोटा स्पैनिंग सेट जो पूरा वेक्टर स्पेस को स्पैन कर दे, सबसे छोटा, वो भी वी होता है। तो बेसिस कितना शानदार बैलेंस करता है, एक साथ सबसे बड़े और सबसे छोटे के दो रोल निभा रहा होता है। ये मैंने बताया था बच्चों आपको, इतना रिकॉल आप लोगों को याद है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, चलो ठीक यस है। सर, हाँ, मैं इससे आगे बढ़ता हूं। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, क्योंकि हम तो आजकल पढ़ी मैट्रिसेस पे फोकस कर रहे हैं। मेरे पास कोई मैट्रिक्स है M/N का, तो आप कुछ रो ले लीजिए। जो रो लेते हैं मैट्रिक्स की, जब आप रो को ले रहे होते हैं कोई रो, तो वो एक वेक्टर होता है एंटपल्स में। आप रो वेक्टर कह सकते हैं उसको, ऐसा बताया होगा मैंने। तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं, मैंने रो रैंक बताया होगा आपको। आपको ये बता चुका हूं ना मैं, मेरे ख्याल से रो रैंक के बारे में। यस सर, यस सर, यस सर, तो भाई मेरे पास ये M/N मैट्रिक्स है, और जिसमें M रो है, N कॉलम है। हर रो में कितने एलिमेंट होंगे जब आप लिखेंगे? A11, A12, A13, A1n। तो पहली रो में बच्चों कितने एलिमेंट हैं? सर एंड
एन एलिमेंट है, तो एन टपल्स वाला वेक्टर हुआ ना पहली रो, यस सर, यस तो सर, दूसरी रो में भी एन ही एलिमेंट होंगे यस सर, फिर। चलो ठीक है, तो हर रो में एन ही एलिमेंट होंगे, तो मैं ये कह सकता हूं, सो चूंकि आपने लिखा है कि आप समझिए, ईच रो वेक्टर इज एन वेक्टर, मैंने ऐसा भी बताया होगा, एन वेक्टर एम वेक्टर, एन वेक्टर का मतलब जिसमें जैसे आप वेक्टर लिखेंगे तो अंदर एन टपल्स होंगे, उसको एन वेक्टर कहा गया था, हो गया या नहीं? यस सर, यस सर, यस सर, अच्छा, अब ये जो आपके पास एम रो है, ये जो रो है वेक्टर हैं, रो वेक्टर्स, ये पहला एक वेक्टर इसको मानिए, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, टोटल एम वेक्टर का जो कलेक्शन है, अब उसको एक सेट के तौर पर लिखिए जिसमें R1 जो है पहली रो के वेक्टर को दिखा रहा है, R2 दूसरे को, और Rm m वेक्टर है, जहां हमेशा जो Ri है वो ऐसा वेक्टर है, I1 I2 Im, हर जो है वो अपने आप में n टपल है, तो इस सेट में n वेक्टर हैं जहां हर वेक्टर n टपल का है, ये बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, जो एल एस होगा वो सबस्पेस होगा ना फिर, सर ये एम की जगह एन होगा ना? हाँ सॉरी एन, सॉरी सॉरी, यहाँ एन होगा, वो यहाँ वन एन था, ठीक, सबस्पेस बनेगा नहीं इससे, यस सर, यस सर, यस सर, हाँ, तो बच्चों पूरा वेक्टर स्पेस अगर इतना बड़ा है तो सब स्पेस भी कुछ होगा, मान लो इतना है, हमें नहीं पता कितना होगा, ये सब स्पेस आ गया, अगर पूरे का डायमेंशन कुछ है, फाइनाइट है, तो ये सब स्पेस का डायमेंशन भी फाइनाइट होगा, क्या मैंने बताया था डायमेंशन क्या होता है? हाँ यस सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिस में कितने एलिमेंट है, बस बेसिस में, अगर पूरा वेक्टर स्पेस, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में हमेशा बच्चों याद रखना फाइनाइट डायमेंशन पे ही काम होना है, हम आर्बिट्री वेक्टर स्पेस में जाना ही नहीं है हमने यहाँ, तो यहाँ हम सब जो लेके चल रहे होते हैं कि वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है, अरे जब पूरा वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है तो सब स्पेस भी फाइनाइट डायमेंशनल ही होगा, ठीक है ना, तो फिर ये जो इससे सब स्पेस बन रहा है तो इसका भी कोई बेसिस होगा, उस बेसिस के नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे, उस बेसिस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो रो रैंक हुई, अब समझ में आया या नहीं आया? अरे भाई रो की वजह से जो बना उसको रो स्पेस कह सकते हो या नहीं? यस सर, यस सर, ये जो मैट्रिक्स है इसकी जो रो है इनकी वजह से, इनके लीनियर स्पेन से जो स्पेस बना वो रो स्पेस हुआ, अब वो रो स्पेस भी फाइनाइट डायमेंशनली होगा, तो उसका जो डायमेंशन होगा उसको रो रेंट कह देंगे, अब बताइए कि हर बच्चे को ये क्लियर हुआ या नहीं, अगर नहीं होगा तो मेरे लिए परेशानी थ्योरम में हो जाएगी बाद में, सर मतलब जो लीनियरली इंडिपेंडेंट जितनी रो होंगी उनके उनका नंबर, वो फिर उसी में आ जाएगा, बिल्कुल रो रेंट में वही आ जाना है, बिल्कुल ओके सर, इनसे स्पेस बनेगा ना पूरा, इन सब से R1 R2 RN RM जितने भी हैं ये, इनसे एक स्पेस बनेगा या नहीं? स्पेस तो बहुत बड़ा होता है कार्तिक, पूरा स्पेस डेवलप करने के लिए इतने वेक्टर तो नहीं चाहिए, आपको पता है कि R2 के लिए आपको दो ही वेक्टर चाहिए होते हैं, R3 के लिए आपको तीन ही वेक्टर चाहिए होते हैं, तो इसमें भी जितने होंगे उतने ही वेक्टर से काम चल जाएगा ना,
यस और वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं या नहीं? भाई इसमें आप आर टू लेते हो तो 1 0 0 1 लेते हो नहीं, दो वेक्टर आई टू की दो रो, इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1 या आई जे के बोलते हैं उसी को, तीन, और ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं या नहीं? यस सर हाँ, यहाँ पर भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हाँ प्रोग्रेस नमस्कार, ना ना कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है। हाँ नमस्कार, और क्या हाल है? ना ना कोई नहीं है, मैं सब सामान्य चल रहा है। दोराहट हेलो यस सर हाँ, यस तो सर क्या मैं ये पूछ रहा हूं, आप जितने लोग क्लास में अटेंड कर रहे हैं सबको रो रेंट क्लियर हो पाई, रो स्पेस और रो रेंट? यस सर यस सर रो की वजह से मैट्रिक्स की जो रो हैं उनके लीनियर स्पेन से जो स्पेस बना वो रो स्पेस हुआ, और उसका बेसिस, बेसिस के लिए फिर वही लीनियरली इंडिपेंडेंट रो जितनी भी आएंगे वो कैसे आएंगे हम बाद में, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पे हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर ये क्लियर हो गया तो मेरा काम काफी आसान है। अब मैं नल स्पेस के बारे में बता सकता हूँ, रो नल स्पेस या लेफ्ट नलिटी मैंने बोला था। ऑफ अ मैट्रिक्स ये भी मैंने शायद लिखाया होगा, वो लिखाया तो ये भी लिखाया होगा, क्या ऐसा लिखाया था? यस सर लिखा यस था यस यस सर सर अच्छा लिखा है, बस हो गया, ठीक है। आपको ये देखिएगा, कोई एम वेक्टर लीजिए। अब एम वेक्टर क्या होता है ध्यान से समझिएगा, जैसे एन वेक्टर है वैसे एम वेक्टर है, तो एम वेक्टर ये वाला तो होगा या नहीं, A11 A21 AM1, तो R1 जो होगा आपके पास ऐसे होगा A11 A21 AM1। अब ये जगह बहुत घेरता है तो हम इसको T मान लेते हैं, जो R1 का ट्रांसपोज होगा, और उसे हम लिखेंगे ऐसे ही A11 A21 AM1, ठीक है या नहीं? अब बताइए M वेक्टर हुआ या नहीं? यस सर एम वेक्टर यस सर ये एम वेक्टर है बच्चों, जिसके जो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली वो कॉलम वेक्टर हैं, ऐसे दूसरा होगा सेकंड कॉलम को हॉरिजेंटल लिख दो ट्रांसपोज लेके, क्योंकि रो वेक्टर कॉलम में, कॉलम रो में तो ट्रांसपोज हो ही जाता है मैट्रिक्स में। तो एम वेक्टर सभी लोगों को समझ में आ रहा है, इस बार आप किस में ले रहे हैं, कॉलम वाइज। मैंने ऐसा लिखाया होगा आप जो एम वेक्टर है वो ऐसे लिखा होगा रो वेक्टर के फॉर्म में, नोट्स में आपके दिख रहा कहीं है लिखा हुआ? नो सर ये चीज नहीं नो है सर लो आप लिख देते हैं साहब, लीजिए सपोज एक्स इज एन एम वेक्टर, आप इन्हें नहीं समझेंगे तो थ्योरम समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जे जे सिल्वेस्टर का नाम सुना है? यस सर
मैथमेटिशियन की बात हो रही है, हॉलीवुड में मत चले जाना। सर सिल्वेस्टर क्राइटेरियन से रिलेटेड है सर शायद। अच्छा, जे सिल्वेस्टर के रैंक नलिटी थ्योरम पढ़ी होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत में दिया रहता है कृष्णा प्रकाशन वाले, तो रैंक नलिटी थ्योरम पढ़ी होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में शुरू में। एक काफी जबरदस्त नाम रहा है सिल्वेस्टर साहब का, कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एक वी एम ओवर एफ से वी एन ओवर एफ पे, इधर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो रैंक प्लस नलिटी, आप रैंक ऑफ टी लिख सकते हैं, प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी एम एफ, एम आया था ऐसा नहीं पढ़ा है? यस सर, यस पढ़ाओ सर। रैंक नलिटी थ्योरम बच्चों, जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि हमारे यहाँ सारे बच्चे मैंने देखा है ग्लोर किया है, मैंने खुद भी जब पढ़ा है एमबी से तो मैंने भी कृष्णा प्रकाशन की किताब से ही पढ़ा, कोई नई गजब नहीं किया और ऐसा कोई अपराध तो है नहीं। ठीक है, तो रैंक नलिटी थ्योरम को सिल्वेस्टर थ्योरम भी कहते हैं, बेसिकली वही चीज बताने जा रहा हूँ आज, लेकिन रो स्पेस के मामले में बताना है वो चीज मैंने अभी, वो इन जनरल वो बाद में आएगा क्योंकि अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बात हो ही नहीं रही है। तो मैं कह रहा हूँ सपोज एक्स इज एन एम वेक्टर, मैंने लिखा है और रिटर्न ऐसे भी लिख देता हूँ, मैंने अभी लिख दिया था ये रो के फॉर्म में, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ और रो वेक्टर, मैंने रो वेक्टर में आपको कैसे लिखते हैं ये भी लिख के बताया, सभी को क्लियर है इतना? यस सर, यस सर, अब यस सर। आपने बच्चों क्या किया, जो एक्स है उसके साथ ए का प्रोडक्ट ले लिया, अब आपके पास जो एक्स है इस समय उसके साथ ए का क्या ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, ए कितना है एम बाई एन है, ए आपके पास एम बाई एन है, तो अब आप ही बताइए ये कितने बाई कितना होना था, ये अभी जो लिखा है आपने इस फॉर्म में ये कितने बाई कितना हुआ, 1/m हुआ या नहीं? यस सर, यस सर। ये इधर जो है यार ये खिसकता नहीं है जल्दी, हाँ खिसक गया अभी तो ये 1/m है ना, तो प्रोडक्ट डिफाइन हो जाएगा और जो नया प्रोडक्ट डिफाइन हो गया आगे वो 1/n का आएगा या नहीं? हाँ यस सर, सर। तो अब यहां पर ये आपने एड से ए कर दिया, ठीक हो गया, ये मैंने लिखाया होगा ये सब कुछ तो चीजें। अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, आपने सबस्पेस लेना है वी एम का, सबस्पेस एस मान लेते हैं उसको ऑफ वी एम, ये क्या होगा, जनरेटेड बाय किन से, किनके स्पेन से बन रहा होगा, जनरेटेड बाय द रो वेक्टर्स, रो वेक्टर रो कौन से वेक्टर हैं, कैसे वेक्टर हैं वो, रो वेक्टर्स एक्स कौन से बिलोंगिंग टू, सब वीएम में ही होंगे और ये इस तरह से होंगे कि ये ए के साथ जीरो दे रहे हो, वो सारे एक्स जो ए के प्रोडक्ट के साथ करके नल स्पेस दे रहे हो, वो सारे एड्स जिनका ए के साथ प्रोडक्ट जो है ये दे रहे हैं, या ये होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम बोलते हैं बच्चों इसमें, दिस इज कॉल्ड रो नल स्पेस, जैसे रो स्पेस था ऐसे रो नल स्पेस है, रो नल स्पेस में वो कौन से वेक्टर हैं जो ए के साथ होमोजेनियस इक्वेशन बना दे रहे हैं, ये वाले जीरो दे। तो अब इसकी जो डायमेंशन होगी उसे आप नलिटी बोलते हैं, लेफ्ट नलिटी बोलते हैं, नल स्पेस के डायमेंशन का क्या नाम होता है, नलिटी, नल स्पेस का मतलब समझिए जो जीरो बना रहा,
कौन से वेक्टर जो ए के साथ प्रोडक्ट करके जीरो दे रहे हैं? क्या मैं समझा पाया? यस सर, यस सर, तो ऐसा आपके पास ये नलिटी होगी। इतना मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, लेकिन कई दिनों की छुट्टी की वजह से सारा मिस हुआ। या हो सकता है मैं पहले उतना ना समझा पाया हूं, वो तो ये सकता है कि मैं आज भी ना समझा पाया हूं। अब मुझे नहीं पता कि मैं कितना क्लियर कर पाया हूं चीजों को। तो बच्चों, यहां से आज मैं थ्योरम कराने जा रहा हूं। जो असली काम है मेरा, वो अब स्टार्ट होता है। आज ये सब होने के बाद थ्योरम, थ्योरम है, काफी महत्वपूर्ण थ्योरम है। सम ऑफ द रो रेंट एंड द रो नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। ये प्रूफ करना है। तो जो डेफिनेशन लिया, उस कोई भी मैट्रिक्स लीजिए, कोई भी मैट्रिक्स, प्लीज स्क्वायर लेना जरूरी नहीं है। कोई भी मैट्रिक्स की जो रो रैंक है और रो नलिटी है, उन दोनों को मिला दो तो आपको पता लग जाएगा मैट्रिक्स में कितनी रो है। ये कहा गया है। तो मैं मान लेता हूं, लाइक ये सारी चीजें फिर लिखनी पड़ेंगी मुझे। ए आई जे एम बाई एन सच दैट रो रेंट इक्वल टू आर, और रो नलिटी एस। तो फिर हमारा जो क्लेम है, हम क्या दावा कर रहे हैं कि आर प्लस एस इक्वल टू नंबर ऑफ रूट कितनी है भाई इसमें? ये है एम बाई एन है, तो रो एम हुई ना। यस सर, ये प्रूफ करना। यस तो अगर ऊपर के सब तक क्लियर है तो अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो रो स्पेस है, पहले उसके बारे में सोचिएगा कि रो स्पेस क्या था। रो स्पेस हमारा क्या है? सिंस द रो स्पेस को हम आर कह देते हैं, और किसका रो स्पेस है? मैट्रिक्स ए की रो से बना है। ये है क्या? इज स्पेन बाय द रो वेक्टर्स ऑफ ए। तो ए के रो वेक्टर से ही स्पेन हुआ है, तो ये कैसा होगा? इट विल बी ऑफ द फॉर्म लीनियर कॉम्बिनेशन। कैसा होता है बच्चों? एक्स वन टाइम्स पहली रो, पहली रो के एलिमेंट कैसे होंगे? ए वन वन, ए वन टू, एक्स वन आर वन प्लस एक्स टू आर टू प्लस एक्स एम आर। दैट इज, ऐसा हो गया नहीं? रो का लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा होता है? एक्स वन टाइम्स पहली रो, एक्स टू टाइम दूसरी रो, ऐसा आएगा या नहीं? पहली यस सर, यस सर, रो क्या थी? ए वन वन, ए वन टू, ए वन एन प्लस एक्स टू, ए टू वन, ए टू टू, ए टू एन प्लस एक्स एम, ए एम वन, ए एम टू, एम। आपके पास इस तरफ आएगा, तो आप इसको, दैट इज ऑफ द फॉर्म, ये तो एन टपल ही आएगा, एक्स वन ए वन वन
एक्स टू ए टू वन, एक्स एम ए एम वन, ये फर्स्ट टर्म आई डी एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म आई डी एक्स वन ए वन एन प्लस एक्स टू ए टू एन, एक्स एम ए एम एन, ये भी एक एंटापल ही होगा, वैसा ही स्पेस ऐसे वेक्टर होंगे, ये ठीक है या नहीं? यस सर, यस सर। अच्छा तो इफ एक्स इक्वल टू, अभी हमने लिखा था एक्स, हमने कॉलम वाइज लिया था, तो मैं ऐसे ले लेता हूँ उसको, इसी एक रो में बांधने हैं ए वन ए टू ए एम, देन एक्स ए कैसा होगा, एक्स भी वेक्टर मैट्रिक्स मानिए ए वन ए टू ए एम, वन बाई एम है, एक्स में एक्स वन एक्स टू लिखता तो सही नहीं था, सॉरी, क्योंकि ए में तो मैंने ऐसे लिखा ही है ए वन वन ए वन टू ए वन एन ए टू वन ए टू टू ए टू एन ए एम वन ए एम टू ए एम एन। बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला क्या आएगा जरा देखिए, तो क्या आप रो बाय कॉलम करेंगे तो पहला ऐसा आएगा या नहीं आएगा ये बताइए। यस सर, यस सर, यस सर। तो मतलब ये जो ऊपर आया है प्रोडक्ट वो एक्स इंटू ए से ही आ गया ना? एक्स वन ए वन वन, एक्स टू ए टू वन, एक्स एम ए एम वन, एक्स वन ए वन एन, एक्स टू ए टू एन, एक्स एम ए एम एन। तो जो आपको ये अभी रो स्पेस आप कह रहे हैं ना बेसिकली, कि जो रोज हैं आपकी उन रो के लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या मिला, वो वैसा ही मिला जैसा एक्स को एक रो मान लीजिए एम वेक्टर और इनटू ए कर लीजिए, ऐसा हुआ या नहीं? यस सर। सो स्पैन ऑफ रो वेक्टर्स is of the form XA where X is M vector। आप ऐसा लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको। अब इसकी रो जो स्पेस आपने डेवलप कर लिया तो इसके बेसिस के बारे में सोचिए, तो आप लिखिए लेट U1, U2, US be a basis of the subspace F। Of PM, जो अभी जनरेटेड हो रहा है
जनरेटेड बाय ऑल वेक्टर्स एक्स सच दैट एक्स ए इक्वल टू नल वेक्टर। देन ये लेफ्ट नलिटी वाला जो है वो सारे वेक्टर जो इसके साथ जीरो दे रहे हैं, इसका मतलब है वो इसके बेसिस में है ये। तो फिर इस स्पेस के जो वेक्टर्स हैं वो ऐसा रिस्पांस दे रहे हैं, तो जो बेसिस के वेक्टर होते हैं वो भी वेक्टर स्पेस के ही एलिमेंट होते हैं या नहीं? जो बेसिस के वेक्टर हैं बेसिकली वो हुए नहीं वेक्टर स्पेस के ही? यस यस सर। सर। तो फिर दिस इंप्लाइज यू वन इंटू ए इक्वल टू जीरो, U2 into A equal to 0, US into A, ये सब भी जीरो दे रहे होंगे फिर। ठीक, अब बच्चों मैं जब प्रॉपर लीनियर पढ़ाऊं तो वहां एक चीज और पढ़ाऊंगा आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये पूरा वेक्टर स्पेस है मेरे पास, ठीक है, ये V है। अब मेरे पास S है, उसमें कुछ वेक्टर हैं, सपोज X है, मान लेते हैं V n डायमेंशनल है, और मेरे पास R वेक्टर है, और ये R वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा हो सकता है कि इन्हीं से आप V n डेवलप कर दें, उस स्थिति में R और n बराबर हो जाएगा। अगर R n से कम है, आर एन से कम है, तो आप इसका जो एक्स वन एक्स टू एक्स आर था इसमें कुछ और वेक्टर ऐड कर सकते हैं, इसको एन तक बना सकते हैं, सपोज अभी एस डैस है, ताकि एल एस डैस इक्वल टू पूरा वी एन बन जाए। एक्सटेंशन थ्योरम, ये बात जानते हैं या नहीं आप लोग? यस सर। इसको यूज करना आता है, मैं थोड़ा सा मैं इसको प्रूफ कराऊंगा वहां, लेकिन मैं फिर भी सरल समझा देता हूँ एक बार और, कि कोई वेक्टर स्पेस का जैसे सबसेट है, ध्यान से सुनिए, वेक्टर स्पेस का सबसेट, या तो वो पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट कर देगा या नहीं कर पा रहा होगा। अगर नहीं कर पा रहा होगा तो उसमें कुछ और वेक्टर लगा के इतना बनाया जा सकता है कि वो पूरा वेक्टर स्पेस को जनरेट कर। अब इसमें सवाल ये उठता है कि आप ये जो एडिशनल वेक्टर इसमें डाल रहे हैं, इसके लिए कोई नियम होता है, कोई कंडीशन होती है, या मनमर्जी कोई भी जोड़ लो एन बना लो? नहीं आ रहा होगा समझ में। आप कंडीशन V3 में सोचो बच्चों, मेरे पास 100 और 010 है, या आप ऐसे समझो तो वेक्टर के हिसाब से इसी रिप्रेजेंटेशन को ऐसा कह सकते हो ऐसे। और आप जानते हो आई और जे के लीनियर कॉम्बिनेशन से जितने भी बनेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, ये जो बनेगा पूरा ये क्या बनेगा? R2 टू डायमेंशनल स्पेस बनेगा आई जे के यस कॉम्बिनेशन, लेकिन आपको तो 3 डायमेंशनल बनाना है। तो बच्चों आप तीसरा वो वेक्टर जोड़ोगे जो इनके कॉम्बिनेशन से ना आता हो, और वो है के। क्या के आई और जे के लीनियर कॉम्बिनेशन से आ जाएगा कभी? आप नो सर। नो सर। कितने आई प्लस कितने जे लगा के कहना चाहेंगे, कभी हो सकता है ऐसा? क्या कितने आई और कितने जे यूनिट वेक्टर मिला के बन सकता है? क्या ये संभव है? नो सर। नो नो सर, सर। डायरेक्शन अलग है। बताओ, जहां पर आप अपने कमरे में बैठे हैं फर्श में वेक्टर आई और जे दो डायरेक्शन सोच लो फर्श में, उनको कितने टाइम से जोड़ लो वो वेक्टर भी फर्श में ही होगा, के तो खड़े में आएगा दीवार में सामने। भाई लैम्डा और म्यू कोई भी रियल नंबर रखो आप, आई प्लस जे, टू आई माइनस थ्री जे, आई प्लस 7J, ये सब आपके फर्श में ही वेक्टर होंगे या नहीं होंगे? सोचो, आई इधर को, जे इधर को,
आई प्लस जे, टू आई इधर को, थ्री जे इधर को, तो फर्स्ट में ही होंगे या नहीं होंगे सोचो। यस सर, जब आपका थर्ड डायमेंशन चाहिए जो के है, तो आई और जे के लीनियर कॉम्बिनेशन से के नहीं आ सकता, तो के को शामिल कर लो फिर इसमें। तो अब शर्त तो समझ में आई इन जनरल। यस सर, अभी अगर आपके पास कुछ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं और उनसे पूरा वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा है, इतना ही बन पा रहा है मान लो, पूरा कैसे बनाए? अरे तो कुछ वेक्टर और जोड़ो ना इसमें। ठीक, तो कैसे जोड़े? जोड़ने के लिए कोई शर्त है? बिल्कुल है साहब, शर्त यही है बच्चों, जो थ्री डायमेंशन के लिए थी। ये जो आप जिन वेक्टर्स को यहाँ ऐड कर रहे हो, इस सेट में जोड़ रहे हो, ये पहले वालों के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं आने चाहिए। समझ में आया या नहीं? यस सर, यस मैं हाँ प्रॉपर दोबारा मैट्रिक्स की बुक कंप्लीट के बाद मैं लीनियर पे जाऊंगा, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको कई न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा कि आखिर एक्सटेंशन कैसे किया जाता है ताकि बेसिस बने। लेकिन अभी मैं इस बात को यहाँ यूज कर रहा हूँ, इसलिए क्या यहाँ यूज करना है मुझे इस बात को। मुझे ये था कि ये जो आप कुछ बेसिस बना रहे हैं, ये छोटा सा बेसिस बना रहे हैं आप, ये पूरे वेक्टर स्पेस का नहीं, सब स्पेस का बेसिस है, तो इन्हीं में कुछ वेक्टर और जोड़ लो, पूरे वेक्टर स्पेस का बेसिस बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई है? यस सर, ये देखो ना, मैं यहां दिखा रहा हूं, ये मैंने अंडरलाइन किया है। ये जहां टिक का निशान किया बच्चों, इस लाइन को पढ़ो, ये इन वेक्टर्स से सब स्पेस का बेसिस बन रहा है। अब मैं बनाना चाह रहा हूं पूरे वेक्टर स्पेस का, तो मैं क्या करूंगा इसी, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है ही, जब बेसिस बना रहे हैं तो इन्हीं में कुछ और वेक्टर डाल देते हैं, पूरे वेक्टर स्पेस का बेसिस बन जाएगा। क्या ये लाइन समझा पाया आपने? और जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं जिनको ये बात समझ आ रही है, वो लोग इस पर क्वेश्चंस देखिएगा कि भाई एक्सटेंशन एक्चुअल में करते कैसे हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि दो तीन दे दिए जाएं और एक पूछा जाए चार ऑप्शन में से, कि इनमें इन इस सेट में इनमें से कौन सा और जोड़ है कि पूरा बेसिस बन जाए। तो समझ में आ गया ना कौन सा देना है? यस सर, इस बात को मैं लिख देता हूं, सिंस वेक्टर्स U1 से लेके US RN, ये भी पूरे स्पेस में तो है ही, एंड फॉर्म अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, सो वी कैन फाइंड वेक्टर्स US+1 से लेके और UM, ये वेक्टर कहां से आएंगे इन BM, सच दैट अब पूरा कलेक्शन U1 से लेके US तक पहले था, फिर US+1 से लेके UM फॉर्म अ बेसिस ऑफ बी। ये किया जा सकता है। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ पाया? अगर ये आया तो इसका मतलब मैंने कुछ समझा दिया है ठीक ठाक, बाकी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। एक छोटा सेट था लीनियरली इंडिपेंडेंट, उसमें कुछ और वेक्टर जोड़े, अब वो बेसिस हो गया, बस इतना समझाना है। बेसिस पे बहुत काम करना है बच्चों, लीनियर अलजेब्रा में बेसिस, टोपोलॉजी में बेस, एक ही चीज है। पर टोपोलॉजी में लीनियरिटी प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है ना, टोपोलॉजिकल स्पेस लीनियर हो ये जरूरी नहीं है, वो आर्बिट्री स्पेस है, पता नहीं कैसा घुमा फिरा के आएगा, वहां बेस बोलते हैं। लेकिन वहां भी बेस का वही काम होता है जैसे यहाँ बेसिस पूरा स्पेस डेवलप कर देता है, यही काम टोपोलॉजी में बेस करता है, तभी तो उसका नाम बेस है। अगर ये बेसिस है VM का,
तो वीएम का कोई भी वेक्टर उठाओ वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जाएगा नहीं? यस सर यस सर सो एवरी वेक्टर एक्स बिलोंगिंग टू वीएम कैन बी रिटन एज एट्स इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट एच वन यू वन एच टू यू टू एच एन यू एन। अब हमने हर वेक्टर एक्स ए के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया था अभी थोड़ी देर पहले ऊपर रो स्पेस में आपने अभी देखा था, तो मैं उस बात को लिख देता हूँ। नाउ एवरी मेंबर ऑफ द सब स्पेस इज एक्सप्रेसिबल एज हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि हर एक को हम एक्स इंटू ए से दिखा सकते हैं। दैट इज एक्स अभी आपने ले लिया है एच वन यू वन ऊपर से एच एम यू एम इंटू ए। दैट इज एच वन यू वन ए एच टू यू टू ए एच एस यूएसए प्लस एच एस प्लस वन यू एस प्लस वन ए एच एम यू एम ए। ठीक है, ए से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई किया। अब जरा ऊपर इक्वेशन वन पे ध्यान दीजिए, तो क्या लिखा हुआ था? यू वन ए कितना है? जीरो यू टू जीरो है, यू जीरो एस ए सब तो जीरो है। तो हर वेक्टर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा आप सेंटेंस को पूरा देखिएगा। भाई खिसक जाए यार ऊपर को। आप लोग लिखिए उसमें यू वन ए यू टू ए यू एस ए दैट सब जीरो कर दीजिए, तो दैट इज कैसे आ जाएगा? दैट इज जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो एच प्लस वन यू एस प्लस वन ए यू एम ए। तो अब आप इस सेंटेंस को पूरा पढ़िए तो क्या समझ में आ रहा है, क्या बन गया आपका? हर एट जो है इन्हीं से तो डेवलप हो गया है, हर एट वेक्टर। और कितने वेक्टर हैं बच्चों ये? यहां तक कितने थे? एस थे ना, एस और टोटल एम है, तो ये कितने होंगे? एम एम माइनस माइनस एस एम तो ये एम माइनस एस वेक्टर बचे हैं। ठीक हो गया। सो द एम माइनस एस वेक्टर 8 मिनट। हाँ सर आ रहा हूँ। तो जो बचे हुए एम माइनस एस वेक्टर हैं
कौन से वेक्टर हैं स्केलर हटा के, एच वन एच टू तो स्केलर थे, एम माइनस एन वेक्टर्स, सॉरी यू कौन से, एस प्लस वन इंटू ए, यू एस प्लस टू इंटू ए, यू एम इंटू ए, स्पेन आर, ये पूरे आर को स्पेन कर रहे हैं। तो दिस दिस फॉर्म अ बेसिस ऑफ आर तो फिर डायमेंशन आर का मतलब डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ये कितना हो जाएगा, एम माइनस एस हो रहा है नहीं, यस सर, डायमेंशन आर आपने शुरू में आर लिया था, आर इक्वल टू एम माइनस एस आ रहा है आपके पास, तो आर प्लस एस टी आ जाएगा। तो ये रिजल्ट काफी यूजफुल रहेगा कई चीजों के लिए। बच्चों रो रेंट क्या होती है, हमने ये समझा, रो रेंट के बाद रो नलिटी प्लस मैट्रिक्स की रो आ जाएंगी, इससे यूजफुल है, समझिएगा चीजों को। क्या यही काम आप कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, तो उसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप गूगल पे जाकर देख सकते हैं, कहीं ना कहीं लेक्चर मिल जाएंगे। अब मैं प्रूफ नहीं करूंगा, बस मैं नोट करके लिखा दे रहा हूँ, हमारा काम अभी इतने से चल जाना है, हम आगे बढ़ेंगे अब। तो नोट करते हैं, कॉलम रैंक प्लस कॉलम नलिटी टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, वहां ऊपर नंबर ऑफ कॉलम्स, ये आपको ये रिजल्ट मिल गया कि कॉलम की संख्या आप ऐसे निकाल सकते हैं, रो रेंज से रो की संख्या निकाल सकते हैं, ये आएगा। कुछ चीजें अब इसमें हैं, लेकिन अब मेरी भी मजबूरी है, टाइम कई बार इतना लंबा खींच जाता है कि चेक है, तो मैं कुछ चीजों को प्रूफ नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा एक दो चीजों में जल्दी मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। एक तो यही था जिसको मैंने आगे जल्दी बढ़ा दिया, दूसरा रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस पढ़ा है बच्चों, दो मैट्रिसेस रो इक्विवेलेंट है का मतलब समझ में आता है। यस सर, हाँ, तो रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की जो रो रैंक है वो सेम होगी, तो यहां पर आएगा रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेज हैव द सेम रो रैंक, तो दो अगर रो इक्विवेलेंट हैं तो ये सेम है, ये प्रूफ मिल जाएगा आपको बुक्स में अगर आप कोई इंटरेस्टेड है, नहीं है तो ठीक है आगे बढ़ाओ फटाफट। चीजों में इतना हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि ये कब कमांड दी थी, अब कब आया ये। चलो कोई बात नहीं, दूसरा अब यहीं से दूसरा क्या बन जाएगा बच्चों, जहां पर रो लिखा है वहां पर, कॉलम कॉलम हाँ इक्विवेलेंट। कॉलम, वो आप अब खुद कर लेंगे, सेम कॉलम रैंक, ये सेम होता है। उसके बाद जो अब
कुछ चीजें लेकिन प्रूफ करनी पड़ेंगी, मैं बहुत ट्रिवियल चीजों को ही छोड़ता हूँ, बाकी इंपॉर्टेंट जो है वो प्रूफ कराऊंगा ही कराऊंगा, ऐसा भी नहीं है। अब क्या कराऊंगा मैं, दो मैट्रिसेज हैं रो इक्विवेलेंट, अब मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान ध्यान से देखिए, रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेज, इक्विवेलेंट मैट्रिसेज हैव द सेम कॉलम रैंक, सेम कॉलम रैंक, रो रेंट तो सेम थी, रो इक्विवेलेंट में रो रेंट सेम है, ये तो मैंने सीधे लिखा दिया, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होंगे तो कॉलम रेंट भी सेम, उल्टा कॉलम इक्विवेलेंट होंगे तो रो रेंट सेम होगी। और ये करने के बाद हम लोग यहां से कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के रेंट और रो रेंट एक ही बात है, तो जाहिर सी बात है किसी भी मैट्रिक्स के रैंक और कॉलम रैंक भी एक ही बात होगी, होगा नहीं होगा, तो रैंक रो रैंक कॉलम रैंक मैट्रिक्स की एक ही चीज होती है बच्चों। तो आगे को हम रो कॉलम छोड़ देंगे, फिर केवल रैंक के बारे में बात करेंगे, इसीलिए हम रैंक पढ़ाते हैं। क्या मैं अब समझा पाया पूरी कहानी? करेंगे दूसरा, दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू रेंट ऑफ ए प्लस रेंट ऑफ बी माइनस एन, अगर दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस हैं एन बाई एन के, तब है। कल ये थ्योरम है, ये काफी अच्छा है और बहुत सारे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल प्रूफ करने के लिए है। हमने इससे पहले जो किया था वो ये था कि प्रोडक्ट के रेंट जो है दोनों के इंडिविजुअल रेंट से बराबर या उससे कम होती है, ऐसा किया था, मिनिमम ऑफ। यस सर तो कल ये वाला आएगा, एक तो ये रिजल्ट होगा कल ही, और दूसरा रेंट ऑफ ए प्लस बी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास मिस मत करिएगा प्लीज, रेंट ऑफ ए प्लस रेंट ऑफ बी, ताकि चाहे गेट का एग्जाम हो या नेट का हो आपको क्वेश्चन यहां से मिलने हैं। ये जो बाकी थ्योरी है बच्चों, ये तो इंटरव्यू के टाइम काम आनी है, जब इंटरव्यू देने पहुंचते हो तब बातचीत होती है, एग्जाम तो इन सवालों का होना है कि अच्छा इसको कैसे करेंगे, इसकी रैंक क्या नहीं हो सकती या क्या इनमें से क्या हो सकती है, तो ये थ्योरम कैसे प्रूफ होती है कल हम करेंगे। ये नेक्स्ट सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। चलिए ठीक है, इतना ही करें। थोड़ा थैंक यू सर। पिछले 2 दिनों से मेरी कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है कॉलेज के वर्कलोड से, तो क्लास भी नहीं ले पाया हूँ, और दूसरा सुबह 10 बजे ही जो 10 बज के 15 मिनट 20 मिनट हो जा रहे हैं, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, वो न चाहते हुए भी हुआ है।